नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ में हूं नंदिनी पाठक। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिनके बारे में हम आपको अधिक से अधिक जानकारियां पहुंचाना चाहते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ हर बार स्टूडियो में मौजूद होते हैं तमाम विशेषज्ञ जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि गुप्ता, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर है कैंसर डिपार्टमेंट में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। तो सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे एपिसोड में हर बार कुछ नया विषय होता है, तमाम ऐसे विषय होते हैं जो मौसम से संबंधित होते हैं या और भी कई ऐसे विषय हैं जिन पर हम आपको जानकारियां पहुंचाते हैं, नए नए विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है ओरल कैंसर को लेकर, यानी कि मुंह के जो कैंसर हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तमाम जो कैंसर हैं, लगातार जो कैंसर के केस में बढ़ोतरी हुई है भारत में, इन सबके बारे में भी डॉक्टर से जानेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जानना चाहेंगे कि भारत में जो लगातार कैंसर बढ़ रहे हैं, तो आपके सामने कौन से ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा कैंसर होते हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो या कोई अन्य कैंसर हो, चाहे महिलाओं में हो या पुरुषों में हो। देखिए, जो आजकल जो हमें देखने को मिलता है भारत में, मुंह गले का कैंसर जो पहले भी कॉमन था और अभी भी कॉमन है। इसके अलावा फीमेल्स में अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट का कैंसर, बच्चेदानी के मुँह का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं लास्ट 10 ईयर में, वो है पित्त की थैली का कैंसर फीमेल्स में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके अलावा बड़ी आंत का कैंसर मेल्स में तेज़ी से बढ़ा है। फेफड़े का कैंसर पहले भी कॉमन था, अब भी कॉमन है। तो कुल मिला के देखा जाए जो पुराने कैंसर थे वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ नए टाइप के कैंसर हैं उनकी इंसिडेंस भी पहले से काफ़ी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो इन सब के अगर बीच हम बात करें तो पुरुषों में जो ज़्यादातर कैंसर के केस होते हैं वो मुंह के कैंसर के देखे जाते हैं, गले के कैंसर है या मुँह के कैंसर है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि मुँह का कैंसर कैसे होता है या इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या होते हैं। देखिए, भारतीय मेल्स में जो होता है मुँह गले का कैंसर, उसका जो प्रमुख कारण है वो टोबैको कंजप्शन है। टोबैको मतलब तंबाकू का कंजप्शन। तंबाकू का कंजप्शन चाहे वो चबाने वाली फॉर्म में हो या धुएं वाली फॉर्म में हो जी। और दुर्भाग्य की बात यह कि जो भारतीय मेल होता है वो दोनों टाइप का कंजप्शन करता है, यानी कि मसाला भी चबाता है और साथ साथ स्मोकिंग भी करता है, चाहे वो बीड़ी हो चाहे वो सिगरेट हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके से डबल बर्डन है उस चीज़ पे। तीसरा बर्डन है उसकी पुअर सोशियोनॉमिक स्टेटस, यानी उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत कमज़ोर होता है। एक तरीके से एक जो भारतीय मेल होता है वो तीन तरीके से कैंसर से एक्सपोज हो गया। एक तो टोबैको दोनों फॉर्म में, तीसरा उसका न्यूट्रिशन यानी इम्यूनो सप्रेशन। तो इस तरीके से भारतीय मेल्स में मुँह और गले का कैंसर बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो जो सबसे कॉमन लक्षण हम देखने को मिलता है वह है खाने पीने में परेशानी होना, गले के अंदर खाना निकलने में दिक्कत होना, दर्द होना या रुकावट होना। इसके अलावा कई बार पेन इतना तेज होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे कान में दर्द हो रहा है और कान से सर में दर्द होता है, वो कंप्रेशन की वजह से होता है। मुंह में छाला होना, छाला जो लंबे टाइम तक नहीं भरता है। इसके अलावा कहीं पे मुँह की फाड़ का बंद होना, धीरे धीरे मुँह की फाड़ बंद होनी चली जाती है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनकी आदत होती है कि मुँह के अंदर तंबाकू दबा के रख लेते हैं, और कई लोग तो रात में तंबाकू चबा के सो जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे जो तंबाकू होता है वो घाव पैदा करता है। घाव के बाद वहाँ पे सबमिकस फाइब्रोसिस नाम की एक चीज़ होती है, उसकी वजह से मुँह की फाड़ धीरे धीरे कम हो जाती है जी। और स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि मरीज बिल्कुल भी मुँह नहीं खोल पाता है। मुँह नहीं खोल पाता इस वजह से उसको खाने पीने नहीं ले पाएगा, तो इस वजह से उसकी कंडीशन और पुअर हो जाती है जी। इसके अलावा गर्दन में कहीं गिल्टी होना जी, गर्दन में यहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, कहीं भी गिल्टी होना, ये सब मुंह और गले के कैंसर के लक्षण होते हैं। आवाज़ में निकालने में परेशानी होना, आवाज़ में भारीपन होना
या पानी पीना, नाक से आना उस पानी का, ये सब जो दिक्कतें हैं ये मुंह और गले के कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। जी, तो दर्शकों जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया कि तमाम जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं धूम्रपान से संबंधित हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं, चाहे तम्बाकू हो या गुटखा हो, पान मसाला हो या बीड़ी पीते हो, जो लोग, उन सभी में जो कैंसर के केस हैं वो लगातार बढ़े हैं। और भारत की अगर स्थिति की बात करें तो लगभग 90% लोग मुँह के जो कैंसर से पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं तम्बाकू का सेवन करते हैं, उसकी वजह से उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गले से अगर संबंधित कोई परेशानी है, अगर आपकी आवाज में कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी कैंसर की ओर इशारा कर सकती है। तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करना है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि तमाम जो कारण है वो कहीं ना कहीं तम्बाकू को लेकर है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के अलावा महिलाओं में भी जो ओरल कैंसर पाए जाते हैं उनके क्या कारण होते हैं? देखिए, महिलाओं में जो ओरल कैंसर मिलते हैं उनका जो हम लोगों ने प्रमुख कारण देखा है वो तंबाकू वाले मंजन का प्रयोग, जो रूरल एरिया में बहुत कॉमन होता है दांत साफ करने के लिए। जो ओल्ड लेडीज़ हैं वो अभी भी तंबाकू के मंजन का सेवन करते हैं। इसके अलावा जो रूरल एरिया में फीमेल्स हैं, सरप्राइजिंगली वो लोग बीड़ी का सेवन करती हैं। अच्छा, मित लोगों में ये होता है जो रूरल एरिया ग्रामीण परिवेश वालों में कि बीड़ी वगैरह नहीं पिएंगे या ये नहीं लेंगे तो उनका मोशन नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो यूजुअली वो कब्ज को एक तरीके से कब्ज के ट्रीटमेंट के रूप में ये लोग लेना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे एक आदत में परिवर्तित हो जाता है जो अल्टीमेटली कैंसर को जन्म देता है। तो फीमेल्स में मेनली इसके अलावा दांतों में कोई नुकीला दांत होता है जो लंबे टाइम तक पड़ा हुआ है, या दांतों में कैरीज होना, ये वजह भी एक तरीके से कैंसर को जन्म दे सकता है। जी, तो महिलाओं में जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया जो लक्षण है वो हो सकते हैं कि आपको शुरुआती लक्षण वैसे ही दिखें जैसे पुरुषों में देखे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कारण है वो एक भ्रांति है जिसको लेकर महिलाएं अपने मुंह की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, या एक मंजन के रूप में जो कहीं ना कहीं चाहे उसे हम निकोटीन का सेवन जो है वो लगातार होता रहता है, या उनके दांतों में कोई दिक्कत है तो उसको लेकर भी कैंसर की ओर ये हो सकती है कि आपको बीमारी अपनी चपेट में ले ले। तो आपको सावधान रहना है, और अगर लगता है आपको ऐसा कि कोई दिक्कत हो रही है मुंह में, अगर कहीं या हम कहें कि डॉक्टर का तो ये भी कहना है, अगर आपके मुंह का स्वाद भी अलग हो रहा है या लगातार कई दिनों से ये समस्या है तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना है। डॉक्टर, ये हमने कारणों की बात की, लक्षणों के बारे में आपने बताया, अगर हम बात करें कि मुंह के हिस्से हैं जो हैं उन कैंसर से जो प्रभावित हो सकते हैं हिस्से, वो कौन कौन से हैं? गले और मुंह के अलावा या बाहरी हिस्से में अगर हम देखें तो क्या बाहरी हिस्से में भी कैंसर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हम मुंह और गले के कैंसर की बात करें तो हमारा लिप्स शुरू हो जाता है जी, हमारे होठों में कैंसर हो सकता है, हमारा बक्कल म्यूकोसा जिसको हम गाल के अंदर का हिस्सा कहते हैं उसमें भी हो सकता है, और कई बार ये कैंसर बढ़ के इतना हो जाता है कि गले गाल को ये पूरा पेनिट्रेट करता है वो बाहर तक। आप लोगों ने काफ़ी देखे होंगे कैंसर के पेशेंट जो बड़े से गांठ गाल के ऊपर लेके हैं, या गले पे बड़ी सी गांठ होती है, वो पूरी फंगेटिंग होती है, उसमें से ब्लड निकल रहा होता है, बड़ी भयानक टाइप की जो स्थिति होती है। तो एक तरीके से अंदर से बीमारी शुरू होकर वो बाहर की तरफ फैल सकती है। इसके अलावा हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उसके अंदर हो सकती है, जीभ है उसके अंदर ये कैंसर हो सकता है, जीभ की जड़ जिसको हम बेस ऑफ टंग कहते हैं उसमें कैंसर हो सकता है, हमारे गले के अंदर है बोलने वाला तंत्र जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं उसके अंदर कैंसर हो सकता है, हमारा फेरिक्स है, हमारी सांस नली है। तो कैंसर ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी ऑर्गन को चपेट में ले सकती है, ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जहाँ पे ये कैंसर ना फैलता हो। जी, कहते भी हैं कि कैंसर जहाँ पर भी पूरा बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, और जहाँ पर सेल का डिवीज़न ख़त्म होना बंद हुआ वहीं पर बॉडी इफेक्ट हो सकती है, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय परिवेश की बात करें तो लोगों में भ्रांतियाँ हैं, तमाम भ्रांतियाँ हैं, और कई केस भी ऐसे देखे जाते हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं लोग उन्हें भी कैंसर हो जाता है। तो एक तो आपने बताया कि कोई नुकीला दांत है वो लगातार एक ही हिस्से को टच कर रहा है या इरिटेट कर रहा है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या बॉडी के और भी जो पार्ट्स हैं उन्हें इफेक्ट करता है अगर ओरल कैंसर है किसी पेशेंट को तो? जी हाँ, ओरल कैंसर अगर एडवांस स्टेज में होता है तो अपनी जगह से ब्लड वेसल्स के थ्रू दूसरी बॉडी पार्ट में फैल सकता है, जैसे हमारे फेफड़ों में फैल सकता है, जैसे हमारे लीवर में फैल सकता है, जिसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, या कहते हैं कि बीमारी अपनी जगह से पहुंच के दूसरी जगह पे चली गई। जी बिल्कुल। अगर हम कारणों की बात करें तो हमने तंबाकू की बात की थी, इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं रेगुलर उनमें भी मुंह गले का कैंसर होता है। अपनी जो हमारी डाइट है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है मुंह गले के कैंसर होने का, जो हम लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, स्पाइसी खाना लोग जो ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में मुंह और गले का कैंसर
कॉमन होता है जी। तो अगर हम एक नॉर्मल छालों की बात करें तो कभी कभी लोगों के मुंह में छाला हो जाता है तो अपने आप दवाइयाँ ले लेते हैं या केमिस्ट से जाके दवा ले ली, खा ली, वो सही भी नहीं हो रहा है तो भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम नॉर्मल छालों की बात करें तो कितने गंभीर हो सकते हैं अगर ये ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं हो रहे हैं जी? देखिए, छालों की बात करें तो छाले कई वजह से हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप में विटामिन की अगर कमी हो जाती है, B12 की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से मुँह में छाले हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों में जिनमें कब्ज़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उन लोगों में हमारे जो GI फ्लोरा होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से मुंह में छाले हो सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी वगैरह, उन लोगों में भी छाले हो जाते हैं। मगर अगर किसी के मुंह में छाले 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं और वो लोकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो आपको डॉक्टर्स को परामर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन छालों की वजह कुछ और भी हो सकती है इन बीमारियों के अलावा। जी, तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया है, जो नॉर्मल छाले हैं वो भी अगर अगर ज़्यादा टाइम तक आपके मुंह में हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है, आप समय रहते अपने चिकित्सक से परामर्श कीजिए, उसे दिखाइए, सही से उसका ट्रीटमेंट करिए। अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो अगर जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे हम डॉक्टर के साथ। डॉक्टर, अगर हम बात करें टेस्ट की, तो कई लोगों के मन में ये चीज़ होती है या भ्रांति कह लें, लोगों में अवेयरनेस नहीं है जिनके बीच में, रूरल एरिया की बात करें, कि अगर कैंसर हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता है। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो ओरल कैंसर के लिए कौन से टेस्ट हैं जो लोग करा सकते हैं और इनके बारे में लोगों को पता नहीं है? देखिए, ओरल कैंसर के अगर हम बात करें कैंसर के टेस्ट के लिए, तो सबसे पहले टेस्ट होता है हमारा एक स्क्रैप स्मियर। स्क्रैप स्मियर ये होता है कि जैसे आपके गाल में कोई छाला है या कोई गांठ है, तो उसमें से एक डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट एक खुरचन की जांच लेते हैं, जिसके एक लेयर ऊपर की निकाल लेते हैं, उसमें देखा जाता है कि कैंसर के कीटाणु हैं या नहीं है। इसके बाद होता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है आपकी जो गांठ है या जो आपका छाला है उसमें से कुछ पीस लिया जाता है, टुकड़ा लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कैंसर के लक्षण हैं या नहीं है, या आपकी कोई गिल्टी है, गिल्टी में से सुई की जांच ली जाती है जिसको हम लोग FNAC कहते हैं, उसमें देखा जाता है कैंसर के कीटाणु हैं या नहीं है। ये तो हमारी जांच हो गई कि कैंसर के कीटाणु हैं या नहीं है, वास्तव में कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा है कि कैंसर अगर है तो कितना फैला हुआ है, ये देखने के लिए आगे जांच होती है। उसके लिए CT स्कैन होते हैं, डॉक्टर्स आपको फेस का या नेक का CT स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर MRI होता है, वो भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी एक एडवांस आ गई है, पैट स्कैन जी, जिससे अगर छोटी सी बीमारी हो जो हमारे CT MRI में भी नहीं पकड़ में आती है, वो पैट स्कैन से पता लगा सकते हैं जी। इसके अलावा डॉक्टर्स आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग आपको एक्सरे चेस्ट, अल्ट्रासाउंड या कुछ ब्लड के टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी बीमारी शरीर के बाकी पार्ट में फैली है या नहीं फैली है। तो ये सब डायग्नोसिस और स्टेजिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए जाते हैं जी। तो डॉक्टर, आपने टेस्ट की बात की, इसके अलावा अगर स्टेजेस की बात करें तो कैंसर कई स्टेज में, चाहे किसी भी अंग में हो, कई स्टेज होती हैं कैंसर की जिसमें ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो कौन सी स्टेज पर हम पता लगा सकते हैं या कौन सी स्टेज तक उसका ट्रीटमेंट संभव है? देखिए, स्टेज 4 होती हैं जी। अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 तक भी आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में स्टेज 4 की जो अर्ली अवस्था होती है उसमें भी हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, पर एक बार स्टेज 4A को अगर क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट का मेरा मतलब है उसको बिल्कुल ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे इलाज की तकनीक अवेलेबल हैं कि पेशेंट की जो दिक्कतें हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं, वो भी एक इलाज का हिस्सा होता है, तो हम उस चीज़ को पैलेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। 2 ट्रीटमेंट, यानी एक तो हमारा रेडिकल ट्रीटमेंट होता है, यानी पेशेंट को बिल्कुल ठीक करने के लिए जो दिया जाता है, दूसरा होता है पैलेटिव, पेशेंट की दिक्कतों को कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन के लिए ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए ट्रीटमेंट दिया, तो इस टाइप से 2 ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर हम एक उम्र की बात करें, वैसे तो जो लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं उनकी उम्र लगभग 15 से ऊपर, तो अब ज़्यादातर बच्चे भी हैं जो तम्बाकू का सेवन करने लगते हैं, लेकिन हम एक आंकड़ा अगर निकालें तो उसमें कौन से उम्र के लोग हैं जिनको ओरल कैंसर जल्दी अपनी चपेट में लेता है या जिन पर जल्दी अटैक हो सकता है? देखिए, अगर हम 10 साल पीछे की बात करें तो पहले जो पेशेंट्स हमारे पास होते थे 60 साल या उससे ऊपर की अवस्था के होते थे, पर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं 40 साल या 50 साल के लोग बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उन लोगों ने लगभग 14 या 15 साल की उम्र में अपना स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टोबैको अपने इफेक्ट लाने में लगभग इतना टाइम लगा लेता है 10 साल के करीब। तो हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि वो 40-50 साल की जो उम्र होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है, क्योंकि उस वक्त
एक आदमी के पास अपनी गृहस्थी का बोझ भी होता है और उस वक्त उसकी इकोनॉमी फाइनेंशियल भी क्राइसिस हो रही होती है, क्योंकि वो एक डेवलपिंग फेज में होता है, वो डेवलप फेज नहीं जी होती है बिल्कुल उसकी। तो ऐसे पेशेंट के लिए ट्रीट करना एक वास्तव में बहुत ही चैलेंजिंग होता है, पेशेंट के लिए भी और पेशेंट को ट्रीटमेंट खुद कराना भी एक चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, चर्चा कर रहे हैं हम मुंह के कैंसर के बारे में, जो अभी तक लक्षण आपको बताए हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम डॉक्टर के साथ, और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर सुरभि गुप्ता, जो कि कैंसर के बारे में इनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं कैंसर डिपार्टमेंट में। अभी तक हमने ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की लक्षणों के बारे में, कारणों के बारे में, और क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं आप, ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव हो सकता है, क्या स्टेज होती है, इन सब के बारे में हमने डॉक्टर के साथ चर्चा की है। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कि कैसे और किस किस स्टेज पर जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, और क्या नए ट्रीटमेंट हैं जो कि मेडिकल साइंस ने तरक्की करके अभी तक जो इलाज पर्याप्त दिए जा रहे थे उससे भी आगे के जो इलाज हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। डॉक्टर, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में, अगर हम बात करें लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि संक्रामक होते हैं कई रोग, तो क्या ओरल कैंसर के मामले में भी ये बात लागू होती है, क्या किसी के छूने से या साथ खाने से ओरल कैंसर हो सकता है? देखिए, खाली ओरल कैंसर की बात नहीं करूंगी मैं, सारे कैंसर की बात करूंगी। तो कैंसर एक कंटेजियस बीमारी नहीं है, मतलब ना तो ये बीमारी छूने से होती है, ना साथ खाने पीने से होती है, ना साथ सोने से होती है। कैंसर के पेशेंट को कई बार ये चीज़ करके आइसोलेशन में डाल दिया जाता है कि हमारे बच्चों में ना हो जाए, हम में ना हो जाए, बल्कि स्थिति इसके विपरीत होनी चाहिए। कैंसर पेशेंट को एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिस वक्त उस समय आप उसको आइसोलेट कर दोगे तो उसमें और ज़्यादा नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत भ्रांति है, कैंसर बिल्कुल भी संक्रामक रोग नहीं है। हाँ, कुछ कैंसर जरूर ऐसे होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और वो वायरस संक्रामक होते हैं, तो ये चीज़ कोरिलेट मत करें। यानी अल्टीमेटली कहने की बात ये है कि कैंसर बिल्कुल भी संक्रामक नहीं है, आप आराम से कैंसर पेशेंट के साथ सो सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जी, तो जैसे कि हमने भ्रांतियों की बात की, लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि संक्रामक रोग नहीं है, किसी के साथ बैठने से हो ना जाए, लेकिन ये एक लोगों की भ्रांति है, और हम दर्शकों से ये अपेक्षा करते हैं कि जो डॉक्टर ने आपको बताया है किसी के साथ खाने से या साथ में रहने से कैंसर नहीं होता है, और अगर ये बीमारी होती भी है तो कहीं ना कहीं वो वायरस की वजह से होती है, और लोगों के मन में जो भ्रांति है वो कहीं ना कहीं बैठ जाती है कि अगर आप किसी के साथ चले हैं या किसी के साथ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उस वजह से कैंसर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भ्रांति को दूर करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो कैंसर का पेशेंट है उसको मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है, और उसके लिए परिवार के साथ साथ उसका माहौल भी ऐसा होना चाहिए ताकि जो उसका ट्रीटमेंट है जब वो किया जा रहा है तो साथ में वो खुद इतना मेंटली स्ट्रांग रहे कि उस बीमारी को जल्द से जल्द कवर कर सके। डॉक्टर, अगर हम बात करें लगातार भारत में बढ़ रहे कैंसर के बारे में, तो अवेयरनेस जो लोगों में है उस वो कहीं ना कहीं लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, तमाम कैंपेन चलाए जाते हैं, डॉक्टर्स अपने सेमिनार भी करते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं हम देखें अभी भी बहुत कम है लोगों में, उसका क्या कारण है? देखिए, शायद मुझे लगता है कि लोग कैंसर के बारे में बात करने से डरते हैं। जी, उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि, या लोगों में थॉट होता है कि मैंने कभी बुरे काम नहीं किए, मुझे कैंसर नहीं होगा तो मैं क्यों कैंसर के बारे में जानूं। लोगों के लिए दिमाग में ये भी चीज़ होती है, या फैमिली में जब किसी को कैंसर होता है तब लोग जाके जागृत होते हैं कि हाँ कहीं मेरे में तो लक्षण नहीं है। तो लेकिन अगर पहले से देखा जाए, एक टिकट की बात करें, तो लोगों में जागरूकता तो आई है, लोग अपने बारे में अवेयर तो हुए हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन जागरूकता अभी उस लेवल तक नहीं है जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए, जो हमारे रूरल एरिया तक होनी चाहिए, ये जागरूकता उस लेवल तक नहीं पहुँची है। शहरी इलाकों में काफ़ी लोग जागरूक रहते हैं, लेकिन हम लोगों को और सरकार को भी ज़रूरत है और लोगों को खुद को भी ज़रूरत है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में जाके लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स हैं ग्रामीण परिवेश के आते हैं,
तो उन लोगों को हम लोगों को मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो जैसे कि हमने देखा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी समय लगेगा और भी जानने के लिए लोगों को। लेकिन अगर हम देखें तो कैंसर का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा मरीज, तो जितनी स्टेज पर कैंसर होता नहीं उससे ज़्यादा कहीं अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं। तो वो अवेयरनेस की कमी है या एजुकेशन की भी अगर हम बात करें, लोग बात करने से डरते हैं जैसा कि आपने कहा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अभी हम आपने बताया कि तमाम जो टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं, लोगों को लगता है कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, जबकि तमाम ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो अगर समय रहते पेशेंट को मिल जाए तो कैंसर किसी भी तरीके का हो उसको सही किया जा सकता है और उसका इलाज संभव है। अगर हम दवाओं की बात करें तो ट्रीटमेंट के साथ क्या दवाएं भी चलती हैं या कितने समय तक वो दवाएं पेशेंट को लेनी होती हैं? देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल कैंसर में तीन टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है सर्जरी पार्ट, दूसरा होता है कीमोथेरेपी पार्ट, तीसरा होता है रेडियोथेरेपी पार्ट। और आजकल बायोलॉजिकल थेरेपी और आ गई है जो हमारे इसको सपोर्ट करती है। तो सर्जरी पार्ट हम लोग एडवाइस करते हैं अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है, स्टेज वन या टू में, कई बार स्टेज फोर में भी सर्जरी की जाती है कुछ मैलिग्नेंसी के केस में। तो दूसरा होता हमारे कीमोथेरेपी का, जैसे आपने पूछा है कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी बेसिकली कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम लोग नस के थ्रू देते हैं जी। उसमें कई बार हम लोग रेडियोथेरेपी के दौरान कीमोथेरेपी देते हैं, कनकरेंट कहते हैं, ताकि रेडियोथेरेपी का इफेक्ट अच्छा आ सके। इसके अलावा आज कुछ ओरल कीमोथेरेपी ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जिनका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है, यानी जो पेशेंट एडमिट नहीं होना चाहते। कैंसर पेशेंट के साथ एक बदल की दिक्कत ये और आती है कि वो एडमिशन नहीं चाहते, क्योंकि एक क्रॉनिक बीमारी है इसलिए पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है जी। तो उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि हमारे पास ओरल कीमोथेरेपी ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जो हम पेशेंट को बोल सकते हैं अपने घर पर लेते रहें और आके बीच बीच में हमें दिखाते रहें। तो एडवांसमेंट की बात करें तो कैंसर के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है और रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। बस पेशेंट को बेशर्ते कि वो अर्ली स्टेज में आ जाए तो वो उसके पूरे क्योर होने के चांसेस रहते हैं जी। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया, तमाम जो इलाज हैं वो मेडिकल फील्ड में आ चुके हैं और अगर आप डॉक्टर से समय रहते संपर्क करते हैं तो वो इलाज संभव भी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कैंसर हुआ है, चाहे वो मुँह का कैंसर हो, गले का कैंसर हो या किसी भी शरीर के हिस्से में आपको कैंसर की, अगर आपको लगता है कि आपने चिकित्सक से परामर्श किया और आपके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम ट्रीटमेंट आ चुके हैं और डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, बशर्ते आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और वो आपको जो एडवाइस करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें आप सपोर्ट करें, दवाएं जो दे रहे हैं उसमें आप कोई कोताही ना बरतें, दवाओं को समय पर लेते रहें, तो कैंसर का इलाज संभव है। डॉक्टर, अगर हम बात करें एक कैंसर पेशेंट की डाइट की, तो एक तो मुंह में दिक्कत किसी पेशेंट को हुई, कैंसर हो गया किसी भी हिस्से में, तो खाने पीने को लेकर वैसे ही दिक्कत हो जाती है। अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो ओरल कैंसर के पेशेंट को कैसी डाइट रखनी होती है या आप क्या एडवाइस करते हैं ताकि जो मुंह है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो जल्द से जल्द कवर कर सके? देखिए, हम ऐसे पेशेंट को सॉफ्ट डाइट होती है, क्योंकि पेशेंट हार्ड डाइट ले नहीं पाता है, या तो मुंह नहीं खुलता या मुंह में छाले होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट जो अगर रेडियोथेरेपी ले रहा है या जो कीमोथेरेपी ले रहा है, कई बार कंप्लेन करता है कि मुंह में छाले हो गए, कुछ भी नहीं जाता है। ऐसे पेशेंट को हम लोग सॉफ्ट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, इस टाइप की डाइट अलाउ करते हैं, ज़्यादा लिक्विड डाइट के लिए बोलते हैं, और न्यूट्रिशियस डाइट, यानी हम कई बार दाल का पानी नहीं ले पा रहा है, सूप वगैरह के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट को। अगर कोई एग लेता है तो एग के लिए एडवाइस करते हैं। तो और उसमें ये बोला जाता है पेशेंट को, आप इकट्ठे लेने की कोशिश मत करिए। जैसे आप तीन मील लेते हैं, आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं आप इन तीन को छः पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आधा आधा लीजिए आप, और जितनी फ्रिक्वेंसी आप हो सकती उतनी बढ़ाते जाइए, और अमाउंट चाहे कम लीजिए, और जितनी बार भी लें हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। तो ये चीज़ें डाइट्स में हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को जी। तो एक पेशेंट की जो डाइट प्लान है वो भी चल रहा है, दवाएं भी चल रही हैं, कीमोथेरेपी भी चल रही है, उसके साथ अगर हम योगा या एक्सरसाइज की बात करें तो स्वस्थ रहने के लिए वैसे भी आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी चलना कम हो गया है या आपका फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है, लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, या अगर हम बात करें जो ऑफिस गोइंग हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं। अगर हम एक कैंसर पेशेंट की बात करें तो उसमें योगा और एक्सरसाइज का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है और क्या कुछ चांसेस हैं कि उससे उसको फ़ायदा मिले इलाज के दौरान? जी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज तो हम लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि ट्रीटमेंट फेज में पेशेंट की जीसी थोड़ी पुअर होती है, लेकिन जब कैंसर का ट्रीटमेंट लोग करा लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उनको यही बताते हैं कि जैसे नॉर्मल इंसान अपनी एक्सरसाइज करता है वो आपको कंटिन्यू करनी है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम पेशेंट को बताते हैं कम से कम अर्ली मॉर्निंग वॉक हाफ एन आवर की ज़रूर करिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक।
और प्राणायाम वगैरह के लिए हम बोलते हैं, जो लोग करते हैं उनको हम लोग सजेस्ट भी करते हैं आप कंटिन्यू करिए, और जो नहीं करते उन लोगों को बोलते हैं आप इसको करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रीदिंग को और हमारी एरेशन को बढ़ाता है, और जितना एरेशन अच्छा होगा उतना पेशेंट में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अच्छा इफेक्ट करती है। तो एक तरीके से हमारे ट्रीटमेंट पार्ट को भी ये थोड़ा सा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखती है, और पेशेंट के लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करती है। आप देखिए, जो नॉर्मली लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं मॉर्निंग में, वो दिन भर बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड भी और एक तरीके से उनका ट्रीटमेंट पार्ट भी, दोनों ही सक्सेसफुल रहते हैं। जी, तो एक्सरसाइज और योगा जो इतना इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, अभी अगर हम बात करें कैंसर पेशेंट भी नहीं है और लोगों की अगर हम बात करें जो स्वस्थ है, या हो सकता है कि उन्हें भविष्य में जो तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं उन्हें हो सकता है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, या उन्हें जो अवेयरनेस के लिए ज़रूरी मैसेज है वो क्या देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। कैंसर ऐसी चीज़ है कि हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको होगा या इसको नहीं होगा। अगर हम एक एवरेज बात करें तो 38% इंडिया में मेल और फीमेल को कैंसर का खतरा अपनी लाइफ टाइम में होता है। वो 38% कौन से होते हैं? जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अपनी हेल्दी डाइट नहीं रखते हैं, उन लोगों में होता है। तो हम लोग कुछ अपने आप में चेंजेस करके, वैसे तो कैंसर एक कहते हैं कि म्यूटेशन की वजह से होता है, जो हमारे जीन में, जो हमारे अंदर में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल। अगर हम उसमें थोड़ा चेंज करें तो काफ़ी हद तक कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट से, अगर हम लोग एक बैलेंस डाइट ले, ये कहा जाता है बैलेंस डाइट में आपका 50% एक प्लेट में आपका प्रोटीन होना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होनी चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 25% आपकी रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो एक तरीके से बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉस्टली आप लें जी, आप अपनी इकोनॉमी के हिसाब से जो भी आपकी आजकल अवेलेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल हों वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ होता है अपना वेट कंट्रोल करना, ओबेसिटी। मोटापा खाली कैंसर नहीं, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, हमारी डायबिटीज़ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और कम से कम 16 टाइप के कैंसर उन लोगों को होते हैं जो ओबीज होते हैं। तो अपना वेट कंट्रोल रखिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों में कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। तो एक्सरसाइज सिर्फ हाफ एन आवर आप करें पर डे, हफ्ते में 5 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं है। और विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करिए, सिंपल सी वॉकिंग। वॉकिंग आपकी इस टाइप से होनी चाहिए कि आप चल रहे हैं और बात कर रहे हैं तो दूसरे को आपकी बात समझ में आ जाए, ठीक है। मगर इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आप तसल्ली से वॉक करें, वो भी नहीं होनी चाहिए, और इतनी फास्ट भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को कुछ सुनाई मत दे। यानी आप जो बोलें आपको कान में आपकी आवाज़ आए, इतनी वॉकिंग होनी चाहिए हाफ एन आवर। इसके अलावा कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं फीमेल्स के लिए भी और मेल्स कैंसर के लिए भी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप रिस्क में हैं या नहीं हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स हैं। इम्यूनाइजेशन आपको प्रॉपर कराना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो वायरस से होते हैं, जैसे HPV का वायरस हो गया, जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है या मुंह का कैंसर होता है। इसके अलावा हो जाता है HPV, हिपेटाइटिस जिन लोगों में होती है, उन लोगों में लीवर कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा HIV वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं। तो वैक्सीनेशन आपको प्रॉपर कराना चाहिए। कुछ चीज़ों का आप ये ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक कैंसर से बच के रह सकेंगे। जी, तो दर्शकों, अभी तक डॉक्टर ने आपको जो तमाम जानकारियां पहुंचाई हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे तो सभी लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि आप तंबाकू का सेवन ना करें, अल्कोहल ना लें, लेकिन अगर आपको स्वस्थ जिंदगी जीनी है, अपना जीवन किसी भी परेशानी से मुक्त रखना है, या कहें कि बीमारियों से आपको बचना है, तो कहीं ना कहीं जो सावधानियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अगर बात कैंसर की हो तो आपको और भी सचेत रहने की जरूरत है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई सिम्टम दिख रहा है उसकी बॉडी में, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। तो आज के हमारे इस एपिसोड में जो तमाम जानकारियां डॉक्टर ने आप तक पहुंचाई हैं, उनके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे एपिसोड का यही विषय रहा है कि अगर आपको ओरल कैंसर से संबंधित कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।